एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बन रहा है करिश्मा भोसले। नाम में इतनी कंफ्यूजन है, भोसले भोसले है कि भोसड़े वाली है कि भोसड़े चौधरी है क्या, बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन गौर से देखा करिश्मा भोसले है। खैर, मेरी नज़र में वो करिश्मा भोसड़े है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दिखा वो जो करिश्मा नाम की जो औरत है वो एक मस्जिद में जाती है और वहाँ के मुसलमानों से ऊंची आवाज़ में बात करती है। बात क्या है? बात महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में करिश्मा भोसले रहती है और उसी इलाके में जो मस्जिद है वहाँ पे लाउड स्पीकर को लेकर इसको 20 साल से ये वहाँ रह रही थी। तब इसकी कानों में नासूर नहीं हुआ, लेकिन अचानक से जब से मोदी भड़वा बैठा गद्दी पे तो इसके कानों पे नासूर होने लगा। दोस्तों, भारत के अंदर ये दस्तूर बन गया क्योंकि मोदी के पास कोई कारोबार है ही नहीं, ना किसी को जॉब वॉब दे सकता है। तो आपको बताना चाहते हैं, मोदी ने एक स्कीम चालू की है कि अगर किसी को फेमस होना है तो वो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करे, वो मुसलमान की बहन बेटियों को देखते मान गोली मार दे, और वो मुसलमान की मस्जिदों में जाकर मुसलमानों से बदतमीज़ी करे, उनकी अजान को बंद करवाने की कोशिश करे। इससे क्या होगा? इससे यहाँ के काफिर फेमस हो जाएंगे और मतलब एक दूसरे के पिछवाड़े चाटते रहेंगे, तो काफिर इसी में बिजी हो जाएंगे मुसलमानों को मारने के लिए। तो जॉब तो कोई मांगेगा ही नहीं हमसे। खैर, आपको बता दें, ये जो करिश्मा भोसड़ी है ये इसको अजान की जो लाउड स्पीकर पे जो अजान होती है उससे तकलीफ़ हो रही थी। अब तकलीफ़ क्यों हो रही थी? 20 साल से ये रंडी वहाँ रहती है, 20 साल से ये रंडी वहाँ रहती है, 20 साल से इस रंडी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन अचानक से इसके कान में कैंसर और नासूर की शिकायतें आने लगी। जैसे ठाकुर प्रज्ञा सिंह को मतलब सुना है नासूर कैंसर हो गया, वैसे करिश्मा भोसले को भी कानों में नासूर और कैंसर हो गया, तो इसी वजह से उसको तकलीफ़ होने लगी। तो जब ये वहाँ मस्जिद के अंदर पहुँची, मस्जिद के अंदर पहुँचते ही इसने वहाँ बदतमीज़ी की, वहाँ के हमारे मुसलमान भाइयों से और हमारी बहनों से वहाँ बदतमीज़ी की, हमारी माओ से। जब भी जिस तरह से ऊंची आवाज़ में बात करी थी, वो लोगों ने भी ऊंची आवाज़ में बात की। सबसे पहली बात तो हम इस रंडी से कहना चाहते हैं, मूंद कर पानी नहीं लेती, तू मस्जिद के अंदर दाखिल कैसे हो सकती है? पहले तू अपना अगाड़ा साफ करके जाती ना। तुम लोग पाक साफ तो रहते नहीं, पूरे गंगा से भी नहा लोगे तो पाक साफ रहोगे नहीं, है ना? तुम लोग पूरे गंगा से भी नहा, एक दो लुटिया पे तुम लोग का नहाना हो जाता है। हम लोग एक दो लुटिया वाले नहीं हैं और मूत के धागा नहीं पहनते, हम लोग मूत के कायदे से धोते हैं, और धागा पहनने वालों में से हम लोग नहीं हैं, और ना गोबर और मूत पीने वालों में से हैं। समझ में आए? सबसे पहले तुम्हें मूत कर पानी लेना चाहिए, इसका हमें प्रूफ दो कि तुमने मूत के पानी लिया था, तब तुम मस्जिद में दाखिल हो सकती। तुम नापाक औरत तुम कैसे मस्जिद में घुस सकती हो? खैर, मुझे इसका वीडियो चलाने कोई शौक नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास पहुँच गया होगा इसका वीडियो। तो अभी मैंने देखा कि ये जो करिश्मा भोसले फेमस होने के लिए इसने क्या काम किया कि मस्जिद के अंदर गई, वहाँ के हमारे मुसलमान भाइयों से, हमारी माँ बहनों से इसने लड़ाई किया। जिस तरह से ये चिल्लाई थी उस तरह से वो भी चिल्लाए थे, पुलिस वाले भी आ गए, मतलब बात को रफा दफा की गई। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, जितनी भी हमारी मुसलमान की माँ बहनें, बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग को लोग कहते हैं कि आप लोग नकाब में रहते हो, आपके घर के मर्द आपको पर्दे में रखते हैं, आपको बोलने नहीं। अब यही मौका है अपने घर के मर्दों को, अपने घर के बेटों को, अपने घर के बापों को, अपने भाइयों को, अब यही मौका है इन जैसी काफिर औरतों से बचाना है। हम कहते हैं अगर गांव में भी मुसलमान कम है, अगर एक गाँव है वहाँ पे काफिर की तादाद ज़्यादा है, और अगर आप मुसलमान कम है तो जितने मुसलमान उन सब में एका होना चाहिए, ताकि कोई अकेले निहत्ते मुसलमान को पकड़ के ये लोग मॉब लिंचिंग ना कर सकें। तो ये जो करिश्मा भोसड़ी जो थी, इसने जो मस्जिद के अंदर गई, अब ये वहाँ से आकर एक नारंगी बाबा, एक जो भगवाधारी आतंकवादी बाबा है, जो जिसको देखते मान लगता है कि ये बाबा रामदेव का सुपुत्र हो सकता है, खैर, तो उससे कह रही है कि पहले तो ये गई, बाद में मुसलमानों ने कहा शाम 5 बजे आना, तो मुसलमानों ने एक गेम बना के रखा था मेरी मॉब लिंचिंग के लिए। मॉब लिंचिंग हुई तो नहीं तुम्हारी? मॉब लिंचिंग तो नहीं हुई, लेकिन मॉब लिंचिंग हुई ज़रूर है। सहारनपुर में मॉब लिंचिंग हुई है, इसरार मलिक की हुई है, जिसको बताया जा रहा है दलितों ने मारा है उस शख्स को, जिसको बताया जा रहा है दलितों ने मारा है इसरार मलिक को, जिसकी मॉब लिंचिंग हुई है। तो मॉब लिंचिंग के मायने तुम जानती नहीं हो,
और ये वो भगवादारी आतंकवादी कुछ है जो उसको फेमस करने कह रहे हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, हम करिश्मा भोसड़ी के सपोर्ट में, हम करिश्मा भोसड़ी के सपोर्ट में हैं। तो सुनो, तुम तो करिश्मा भोसड़ी की सपोर्ट में, हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के सपोर्ट में। तो अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनो, जितनी भी मुसलमान की कौम की बेटियां हैं, अपने बाप की, अपने मामा की, अपने भाइयों की, अपने घर के हर एक सदस्य की, जो मर्द है आपके घर में, उनकी हिफाजत करने का जिम्मा आपका है। ऐसा ना हो कि कोई भी रास्ता चलते काफिर औरत आपके मुसलमान मर्द को फंसा दें या फिर उनसे लड़ें और फिर अचानक से वो ब्लेम लगा दे कि ये शख्स मुझे छेड़ रहा था, मेरी मॉब लिंचिंग करना चाहता। अब यही करिश्मा भोसड़ी कह रही है एक भगवादारी आतंकवादी बाबा से कि वहाँ का जो मुसलमान है हमसे बदतमीजी कर रहा था मस्जिद का, और जो वहाँ का रहने वाला हिंदू है वो इसके सपोर्ट में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ के जो हिंदू हैं, हर हिंदू बुरे भी नहीं होते, और हर हिंदू बुरे हो या अच्छे हो, मेरे बाप की ठहेंगे, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो लड़ाई झगड़ा चाहता है। इतने बुरे हालात में, कोरोना के हालात, कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, क्रिश्चियन, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। सब अपने घर में अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहते हैं और अपनी सेफ्टी चाहते हैं और अपने घर में चैन अमन सुकून से रहना चाहते हैं। तो बहुत वहाँ के हिंदुओं ने बोला हर धर्म एक होता है, हम ये सब मामले में नहीं पड़ेंगे। कोई भी करिश्मा भोसड़ी को सपोर्ट नहीं किया। अब करिश्मा भोसड़ी को सपोर्ट कौन करेगा? अंकुर आर्या, नरसिंह वानी भड़वा और दो चार जो भगवाधारी रंडी की औलादे, ये सब जो है अब उस करिश्मा भोसड़ी को, कलूटी को सपोर्ट करेंगे। तो वो जो कलूटी काली माई है, हो सकता है 20 साल से मुल्ला फंसा रही, मुल्ला नहीं फंस रहा हो, क्योंकि आजकल मेरे नोटी नोटी मुल्ले ऐसे वैसे नहीं लेते हैं ना, नोटी नोटी मुल्लों को अच्छी अच्छी चाहिए होती है। तो हो सकता हो ये कलूटी फंसा रही हो, कलूटी के हाथों नहीं चढ़ रहा है कोई मुल्ला। तो अब उसने जो है अपना गुस्सा अजान पे, लाउड स्पीकर पे उतार दिया। तो हम इस रंडी से कहना चाहते हैं, पुराने मॉडल की जो नई जमाने की न्यू भारत की जो न्यू रंडी आई है, हम इससे कहना चाहते हैं, ये कोई झांसी की रानी नहीं है। तू एक देशद्रोही औरत है। तू मतलब नए इंडिया की, न्यू इंडिया की तू न्यू रंडी है। तो जितनी भी वहाँ पे हमारी मुसलमान की औरतों ने जितना भी इसको लखेड़ा और इससे जो इसका सामना किया, अपने मर्दों को बचाया, अपने भाइयों को बचाया, उनको हम जितनी भी सलामी दें उतनी ही कम है। उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। अब यही मुसलमान की बेटियाँ, यही चाहे मौलाना इकराम की बेटियाँ हो, चाहे मिडिल क्लास के लोग, जो भी हो, क्योंकि हमारी नज़र में कोई मुसलमान ना अमीर है ना गरीब है, हमारी नज़र में हर एक मुसलमान, यहाँ तक के फकीर से लेके अमीर तक मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, वो मेरी नज़र में सिर्फ ऐसा शख्स है जैसे हम है वैसे वो, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई मिडिल क्लास। हर एक फैमिली की बेटियों को अब सख्त होना पड़ेगा। आप अपने बाप भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं ताकि जो काफिर की औरतें आपके मर्दों की आवाज़ दबाएं अपने अपने हलक से, तो आप उनकी हलक को कुचलना कुचलने का आपके अंदर दम होना चाहिए। आपको ऐसी ताकत रखनी चाहिए जैसे बॉम्बे की जो वहाँ पे मैजिक में जो औरतें थी, उन्होंने जिस तरह से करिश्मा भोसड़ी पर जो चढ़ाई की है, उसको देख के मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश है। बाद में करिश्मा भोसड़ी एक चैनल बनाती जिसके 60 सब्सक्राइबर अभी हुए हैं। तो करिश्मा भोसड़ी जो है उसने 4 वीडियो डाला, एक वीडियो में उसने डाला कि वहाँ के मुसलमान पुलिस वालों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, लेकिन हाँ हमने ये ज़रूर देखा है, राजस्थान में देखा है कि एक पुलिस वाले ने एक हिंदू को मुसलमान समझ के मारा और इतना मारा कि उसके कान का पर्दा फट गया। और जब उससे पूछा गया कि उसके ऊपर कंप्लेन हुई, तो वही पुलिस वाला कह रहा है कि हमने तुम्हें मुसलमान समझा। मुसलमान उसने क्यों समझा? क्योंकि वो काफिर आदमी जो था जिसको मार पड़ी थी, वो दाढ़ी रखे हुए था। तो ये तुम जैसी जो रंडिये चली हो, दो दो टके पे धंधा करने वाली रंडिये, तुम जो हमारे मस्जिद, हमारे लाउड स्पीकर, हमारी अजान जो तुमको तकलीफ है, तो ये कहना चाहते जब अजान हुआ करे तो कान में तेल डाल के बैठ जाया करो। 2 मिनट की अजान है, ज्यादा भौको मत। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से सहारनपुर में इसरार मलिक की मॉब लिंचिंग होती जा रही, हम तो यही कहना चाहते हैं हर एक मुसलमान की औरतों से, बेटियों से, माँ से, अरे कम से कम अब तो आप लोग जागो। कम से कम अपने ही घर के मर्दों को एक ऐसा हथियार दो कि उनके आने बुरे वक्त, जब वो रास्ते चलते, खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा बुरा वक्त आया, काफिरों ने रोका, कम से कम उनके पास हथियार तो उनसे लड़ने के लिए। मरो
लेकिन कुछ ऐसा करके मरो कि हाँ ये तो हो कि अगर मेरा घर का चिराग बुझा तो हमारे भी घर के चिराग ने किसी दूसरे काफिरों के घर के चिराग को बुझा के मरा है। खैर हम इतना ही कहना चाहते हैं तो ये करिश्मा भोसड़ी से कि पहले मूत लिया करो, खुल के मूता करो, मूत के साफ से धोया करो, धागा पहन के मस्जिद में घुसने की तुम्हारी औकात कैसे हुई। जो नापाक औरतें होती वो मस्जिद में नहीं जाया करती, जैसे तुम जैसी कलूटी पहले पाक साफ रहो। एक दो लुटिया वाला स्नान नहीं होता हमारे यहाँ और गौमूत्र से स्नान नहीं किया जाता, समझ में आया? पहले पाक साफ से नहाओ, फिर हमारे मुसलमान मर्दों से बात करने की औकात रखो, नहीं तो जितनी कलूटी है उससे ज़्यादा काली अम्मा बन जाओगी। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।